सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा एक इम्पोर्टेंट भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है। देखिए, इस भर्ती की घोषणा 1 अक्टूबर 2018 को की गई थी। जो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सीधी भर्ती 2018 इस वैकेंसी का आयोजन है वो करवाया जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पद का नाम है वो पर्यवेक्षक महिला है, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा है वो पद का नाम दे रखा है। पदों की संख्या है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 291 दे रखी है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 18 दे रखी है, यानी कि टोटल 309 पदों पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता कोटा है उसके एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा। देखिए, इसके आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आप SSO ID के माध्यम से इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। देखिए, आपको SSO.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको अगर SSO ID बनी हुई है तो आप उस पर लॉगिन कर सकते हो, वरना आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप ये अप्लीकेशन फॉर्म वो भर सकते हो। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देखिए ये जो कंप्लीट PDF है इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखिए, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, क्रिमिलियर वर्ग, OBC से बिलोंग करते हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग, तो आपको 450 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और नॉन क्रिमिलियर OBC से पिछड़ा वर्ग से अगर आप संबंध रखते हैं तो 350 रुपये इसमें एप्लीकेशन ही, और SC ST अदर कैटेगरी के लिए इसमें 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो रखी गई है। उसके बाद देखिए, जो इसकी इंपॉर्टेंट खबर की अगर अपन बात करें तो देखिए, इस तरीके से आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में किस तरीके से वैकेंसी का बंटवारा किया गया है, जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए, परित्यक्ता के लिए किस तरीके से है, अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य महिला और विधवा के लिए, उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में 12 के लिए और निशक्त जनों के लिए किस तरीके से इसमें वैकेंसी का डिवाइडेशन किया गया है वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो देखिए, इसके लिए आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। बाद देखिए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन तो आपकी ये रखी गई है। जो दूसरी क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए, आपके पास में इतने सर्टिफिकेट में से कोई सा भी सर्टिफिकेट हो सकता है। देखिए, अगर आप RKCL किए हुए हो तो अभी आप ये अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, O-Level किए हुए हो तो भी भर सकते हो, कोई कंप्यूटर कोर्स किए हुए हो NIELTS न्यू दिल्ली के द्वारा अगर वो इस्टेब्लिश है तो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, कोई डिग्री है, डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत तो भी भर सकते हो, सीनियर सेकेंडरी में यानी 12th में अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास में सब्जेक्ट रहा हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर पॉलिटेक्निक में अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हो तो भी आप ये आंगनवाड़ी के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो देखिए, टोटल इस तरीके से 12 पेज की ये PDF है, ये आप डिस्क्रिप्शन से इसमें इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना और बाद में खुद से ये निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ लेना। तो देखिए, इस तरीके से आंगनवाड़ी भर्ती है वो टोटल इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें टोटल 309 पदों के लिए वैकेंसी का आयोजन करवाया जा रहा है। तो ये सूचना आपको बतानी जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त